जय गंगा मैया। आज हम हैं बाबा मस्तराम गंगा घाट अनूप शहर पर। ये जेपी ग्रुप ने बनवाया है ये घाट, इसको जेपी घाट भी कहते हैं, लेकिन जो इस घाट का नाम है वो है बाबा मस्तराम गंगा घाट। दोस्तों काफ़ी अच्छा घाट है ये। यहाँ पर यहाँ से लेके हरिद्वार तक और इधर आपका बहुत दूर दूर तक मैंने ऐसा कोई घाट नहीं देखा है। ये सबसे शानदार घाट है जो कि अनूप शहर में है और बहुत ही साफ शुद्ध, बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा घाट है। आप देख सकते हो इस घाट के बारे में मैं आपको और पूरा दिखाऊंगा सारे के सारे वीडियो में। अभी आप देख सकते हो मेरे साथ में यहाँ एक हनुमान जी की भी मूर्ति भी है मेरे पीछे जो कि काफ़ी बड़ी, तो मैं कहूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार घाट है। यहाँ पर और भी मूर्तियाँ बनी हैं, माँ की मूर्तियाँ बनी हैं, जो कि ये घाट मैं कहूँ आपसे बहुत ही शानदार है। आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान और बहुत ही आपको आनंदित कर देने वाला ऐसा स्थान है। यहाँ पास में थोड़ा दूर नरोरा से पहले नरवर घाट भी है, लेकिन ये घाट बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है घाट मैं कहूँ आपसे। तो अगर आपको यहाँ कहीं आसपास आना हो 100-100 किलोमीटर के एरिए में, मुझे नहीं लगता और इससे कोई अच्छा, इससे शानदार घाट आपको कहीं पर भी मिलेगा। ये घाट मुझे बहुत ही अच्छा और शानदार लग रहा है। आप इस घाट पर ज़रूर आइए और यहाँ पर आके आप स्नान कीजिए। बहुत साफ़ है, शुद्ध है, लेडियों के लिए यहाँ पर अलग व्यवस्था है, यहाँ वो नहा सकती हैं अलग से, अपने कपड़े बदल सकती हैं आराम से। तो आप इस घाट पर ज़रूर आएँ, मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आनंदित महसूस करें आप आके। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार गंगा घाटों में से एक घाट, जो है बाबा मस्तराम गंगा घाट अनूप शहर। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही साफ शुद्ध और बहुत ही बड़ा गंगा घाट है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शांतिप्रिय स्थान, बहुत ही अच्छा, जहाँ पर आप आके बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे और गंगा माँ में आप स्नान कर सकेंगे, जो कि बहुत ही आपको आनंद देगा और बहुत ही आपके मन को प्रसन्नता देगा। इस घाट के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। बहुत ही शानदार घाट है ये जेपी ग्रुप्स ने बनवाया है। इस घाट में आप आके यकीन जानिए अपने मन को बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे। ये एक बहुत ही शानदार घाट है उत्तर प्रदेश में, जो कि बुलंदशहर के अनूप शहर में है। कहां से कैसे जाना है इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे और यहां आप आके कैसा महसूस करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, आइए करते हैं घाट के विस्तृत दर्शन। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अलीगढ़ से, दिल्ली से, बुलंदशहर से आते हैं तो इस गेट के अंदर आप प्रवेश करेंगे और यहां से आप आगे देखेंगे। आगे देखने के बाद आपको दाईं तरफ यहां से मुड़ जाना है। दाईं तरफ मुड़ के जब आप पहुंचेंगे तो सीधे आप घाट पर पहुंच जाएंगे 1-2 किलोमीटर चलने के बाद। अब हम अंदर घाट पर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ आप प्रवेश करते ही काफ़ी हरियाली पूर्ण वातावरण आप देखेंगे। चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली, सुंदर वृक्ष नज़र आएंगे आपको और बहुत ही शानदार आपको घाट नज़र आएगा। यहाँ आप जो है गाड़ी अपनी खड़ी करने के बाद में देखेंगे आप कुछ दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनसे आप कुछ सामान और प्रसाद खरीद सकते हो। यहाँ आगे जब आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घाट है और घाट पे आप जाके स्नान कर सकते हैं। घाट काफ़ी बड़ा है,
और आप यहाँ पर आके अपने आप को बहुत ही अच्छा और आनंदित महसूस करेंगे। ये देखिए वही गेट है जहाँ से हम घुसे थे। आपको बाईं तरफ मुड़ के पार्किंग में जाना है, फिर वापस आके यहीं पे आ जाना है। अब देखिए ये घाट है, आप देख सकते हैं इसका मनमोहक और शानदार नज़ारा। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं और आने वाले समय में ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तब नज़ारा और भी शानदार और भी अच्छा होगा। ये आपके अनूप शहर में घाट है और बहुत ही सुंदर ये घाट है। आप थोड़ा सा अनूप शहर में जब घुसेंगे, घुसने के बाद में आप थोड़ा सा चलने के बाद में 1-2 किलोमीटर चलने के बाद में इस घाट पे आप पहुंच जाएंगे और यकीन जानिए यहाँ आकर आप ये महसूस करेंगे कि आपने एक सबसे शानदार घाटों में से एक घाट चुना है स्नान के लिए, भ्रमण के लिए। और मैं आपसे कहूँ कि अनूप शहर के आसपास कोई भी ऐसा घाट नहीं है, कोई भी ऐसा घाट नहीं है, या तो हरिद्वार में है या बनारस में है। एक आध जगह और हो सकता है लेकिन यहाँ इस जैसा घाट नहीं है इतने किलोमीटर की रेंज में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है जो कि काफी बड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम घाट के धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सीधे हाथ की तरफ मुड़ के आगे स्नान करना है, यहाँ पर आपको नहीं नहाना है। यहाँ लिखा भी हुआ है यहाँ जल गहरा है, ये देख सकते हैं आप। घाट पर काफी बड़ा घाट है, आप देख सकते हैं एक साइड आपको दिखाई दे रही है और दूसरी साइड आप देख सकते हैं वो भी काफी बड़ी है। इस तरह से घाट बहुत बड़ा है, ये आप साफ देख सकते हैं कितना शानदार और कितना बड़ा, कितना साफ सुथरा घाट है। तो अगर आप अनूप शहर के आसपास कहीं भी रहते हैं, चाहे आप 100 किलोमीटर तक रहते हो या उससे और ज्यादा रहते हो, तो ये घाट आपके लिए बहुत ही शानदार घाट है। यहाँ आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं। अगर आप किसी और वाहन से आते हैं जो कि सरकारी वाहन हो सकता है या कोई और प्राइवेट वाहन करके अगर आप आते हैं, तो ये आपको रोड पर छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से आपको ऑटो वगैरह लेके यहाँ आना पड़ेगा। सीधी बस वगैरह यहाँ नहीं मिलती, आपको लगभग 1-2 किलोमीटर आपको या तो प्राइवेट वाहन करके आना पड़ेगा या आप पैदल चल सकते हैं तो भी आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं घाट का कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर महिलाओं के लिए नहाने के लिए ये घाट है, अलग पुरुषों के लिए भी घाट है, सबके लिए आपको यहाँ पर घाट मिल जाएंगे। कॉमन में यहाँ पर नहा लेते हैं लोग और महिलाओं को कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पर अलग बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। आप यहां पर आकर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं, आप स्नान का आनंद ले सकते हैं। यहां पर गंगा मैया के साथ आप यहां शांतपूर्ण पल बिता सकते हैं। यहां पर पीछे कुछ ब्रेंच भी पड़ी हुई हैं सीमेंट की बनी हुई, जो कि बहुत ही शानदार मनमोहक रंगों से सुसज्जित हैं। यहां आप कुछ समय बैठकर एक शांतिपूर्ण वातावरण में अपना वक्त बिता सकते हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप यहाँ कहीं आसपास रहते हैं तो आप इस घाट पे ज़रूर आएं और आके कुछ अपना वक्त बिताएं। जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही आनंदित और बहुत ही अच्छा आप महसूस करेंगे। यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के आप स्नान कर सकते हैं और इसमें आप जो है आगे जाके फिर ये नीचे उतर सकते हैं, जहाँ पर आपको कच्चा मिलेगा।
आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना मनमोहक नजारा है इस घाट का। आप देख सकते हैं साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था है, जहाँ पर आप कपड़े वो बदल सकती हैं। ये देखिए आप कितना बड़ा ये घाट है और बहुत अच्छी तरह से इसको सजाया गया है। यहाँ आपको माँ की मूर्तियाँ भी मिलेंगी और भी यहाँ आपको मूर्तियाँ मिलेंगी। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे स्थानों में से ये एक स्थान है जो कि काफी बड़ा है। साफ सफाई के साथ साथ ये काफी बड़ा भी है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने आप को अपने अंदर आप एक खुलापन महसूस करेंगे। बच्चे यहाँ के बहुत प्रसन्न होते हैं, वो घूमते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं और आनंदित होते हैं। आप यहाँ पर जरा आके देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। आप वीडियो से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही आनंददायी होगा, मनमोहक होगा, सुंदर होगा। मैं कहूँ कि हर तरह से वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं। और यहाँ पर आके आप जो है इसका आनंद ज़रूर लें, ये मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा। तो चलिए अब वोटिंग करते हैं। यहाँ पर एक सवारी का आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। बच्चे अगर छोटे हैं तो छोटे बच्चे का किराया नहीं लगेगा। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बैठने के बाद में वोटिंग का आप आनंद ले सकते हैं, जो कि आपका मन मोह लेगा। ये वोटिंग का सफ़र आपका मन मोह लेगा और आपको बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार आपको ये लगेगा। तो आप यहाँ पे आएं और अगर आप वोटिंग करने का इरादा रखते हैं तो वोटिंग ज़रूर करें। आप देख सकते हैं मेरे साथ कि नज़ारा कितना शानदार है, तो आप भी यहाँ पर आइए और वोटिंग का भी लुत्फ़ उठाइए। आप अगर आप अनूप शहर के आसपास के हैं तो यकीन जानिए ये स्थान आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होने वाला है।